आगे बढ़ते हैं। आज से देश अनलॉक हो रहा है, यानी कि मॉल रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और इसके साथ ही कई धार्मिक स्थल भी खुल चुके हैं। लेकिन कोरोना काल में इस मेगा अनलॉक में लोगों को कई सुविधाएं मिल तो रही हैं, लेकिन साथ ही सावधानियां बरतने की भी हिदायत दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कोरोना नहीं। पचहत्तर दिन के इंतजार के बाद आज से कई राज्यों में मॉल, रेस्तरां, होटल और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। लोग मास्क के साथ ही सही, लेकिन बाहर निकल सकते हैं। अभी तक अपनी बालकनी से सड़कों को निहारने वाले लोग अब नीचे उतरकर खुली हवा में सांस तो ले सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखिएगा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बस लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते अब सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से नियम तय किए हैं, कुछ शर्तें अनिवार्य की गई हैं। कुछ राज्यों में मंदिर, मस्जिद और चर्च खुल गए हैं तो कुछ राज्यों में अभी ताले नहीं खोलने का ऐलान किया गया है। लेकिन जहां भी आज से मॉल, होटल और रेस्तरां खोले जा रहे हैं, वहां कुछ शर्तें जरूर रखी गई हैं। तो आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि किस राज्य में क्या खुलने वाला है और वहां क्या क्या नियम बनाए गए हैं। दिल्ली में आज से अनलॉक 1.0 के तहत कुछ छूट मिलने जा रही है, जिसके बाद धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल होटल, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम अभी नहीं खोले जाएंगे। दिल्ली के सभी बॉर्डर भी आज से खोल दिए जाएंगे, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद के बॉर्डर शामिल हैं। हालांकि केंद्र के दिशा निर्देशों के बाद दिल्ली में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी में आज से होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और धर्मस्थल खोल दिए जाएंगे। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइन का पालन हर हाल में कराएं, कहीं भीड़ इकट्ठी न होने पाए। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा। महाराष्ट्र में आज से 10% अटेंडेंस के साथ सभी प्राइवेट दफ्तर खोल दिए जाएंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर, सैलून, बार, होटल, रेस्टोरेंट, पार्लर को कोई छूट नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 65 स्मारक खोले जाने की संभावना कम है। गुजरात में होटल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल आज से खुल जाएंगे। साथ ही अलग अलग समय में प्रार्थना करने और भक्तों के लिए टोकन व्यवस्था शुरू की गई है। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। गोवा में आज से मॉल खुल जाएंगे, लेकिन अभी होटल, रेस्टोरेंट पर फैसला नहीं हुआ है। कर्नाटक में मंदिर और मस्जिद आज से खुल गए, जबकि चर्च 13 जून से खुलेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग और सभी के लिए मास्क भी अनिवार्य किया गया है। 10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को धर्मस्थलों पर आने की अनुमति नहीं होगी। आखिर लॉकडाउन के 75 दिन बाद भी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं हटाने के पीछे की वजह क्या है, इसके लिए आपको देश के प्रमुख राज्यों का कोरोना मीटर जरूर देखना चाहिए। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना के 3,007 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 85,975 तक पहुंच गया है, जिसमें 3,060 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में 1,282 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना का कुल आंकड़ा 28,936 हो गया है। यहां अब तक कुल 812 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 480 नए केस सामने आने के बाद आंकड़ा 20,000 के पार चला गया है और मरने वालों की कुल तादाद 1,249 तक पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना के 262 नए केस सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 10,599 तक पहुंच चुका है और इसी के साथ मरने वालों की संख्या 240 हो गई है। यूपी की बात करें तो यहां 433 नए मामले सामने आने के बाद कुल केस 10,536 तक पहुंच गया है, जिसमें मरने वालों की संख्या 275 तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में 449 नए केस सामने आने के बाद कोरोना के कुल 8,187 मामले सामने आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 324 तक चली गई है। चूंकि देश भर में कोरोना का बढ़ता ग्राफ डराने वाला है, खौफ पैदा करने वाला है,
इसलिए 75 दिनों तक के बंद के बाद सरकारें जरूरी चीजें खोल तो रही हैं, लेकिन बेहद सतर्कता के साथ, शर्तों के साथ और हिदायतों के साथ, क्योंकि कुछ राज्यों में कोरोना का पिक स्टेज अभी आया नहीं है। अगर जरा भी सावधानी हटी तो बड़ी दुर्घटना घटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इस अनलॉक 1.0 में बाहर तो निकलिए, लेकिन जरा संभल कर और सतर्क रहकर।